साथियों, पहले की सरकार की पहचान अगर हटते हुए प्रदेश से तो हमारी सरकार की पहचान ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसफॉर्मेशन और देश को मिल रहा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को हमने खोज कर निकाला है जो कई वर्षों से रुके पड़े थे या जिन पर धीमी गति से काम हो रहा है। अगर उनमें काम की पुरानी रफ्तार होती तो अगला दशक भी बीत जाता। आज सुशासन दिवस पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी कार्य संस्कृति को हमने पूरी तरह बदल दिया। इस वजह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को नई गति मिली है। पिछले साल ऐसे ही लटके हुए मिजोरम के तुइरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो इसी साल कुछ महीने पहले सिक्किम एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया जा चुका है। ऐसी अनेक योजनाएं पूरी हो चुकी है, बाकियों पर भी तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, आज तय समय पर तय लागत में ही प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। अब समय सीमा सिर्फ कागज में लिखने की बात भर नहीं रह गई बल्कि सरकारी कामकाज का संस्कार बन रही है। मैं असम की सरकार सोनोवाल जी की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संस्कार को आत्मसात किया है। असम में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वर्षों से अधूरे थे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 4.5 वर्ष में पूरे हो चुके हैं। करीब 6000 करोड़ के एक दर्जन से अधिक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल हो, रेल लाइनों के विद्युतीकरण और चौड़ीकरण का काम हो, गुवाहाटी तिनसुकिया गैस पाइपलाइन हो, गुवाहाटी में एम्स हो, धेमाजी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर या तो काम पूरा हो चुका है या फिर जल्द पूरा होने वाला है। तेज इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने वाली इंटरनेशनल सबमरीन केबल भी त्रिपुरा पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द ये आसाम पहुंचने वाली है। इससे असम में भी डिजिटल सेवाएं मजबूत होगी।